हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूटी के बैडमिंटन। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप अपने बैडमिंटन रैकेट पर टॉवल ग्रिप कर सकते हो। तो ये कुछ इसका ऐसे रिजल्ट निकला था जो कि मैंने इसके ऊपर चढ़ाया था 30 जून 2021 में, और 6 महीने बाद इसकी ये हालत हुई है एज अ सेकेंडरी रैकेट यूज़ करते हुए। तो मेरा प्राइमरी रैकेट जिसको मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और ये वाला सेकेंडरी रैकेट है जिसको मैं काइंड ऑफ नॉन सीरियस मैचेस के लिए खेलता हूँ, जब मैं ऐसी मज़े के लिए खेल रहा होता हूँ। तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा पसीने से भर चुका है, इसकी सरफेस एकदम पूरी हार्ड हो चुकी है और इस पर काफ़ी धूल मिट्टी और पसीना जम चुका है। ठीक है, तो ये इसके साथ में कंपेरिजन भी है एक नई ग्रिप के साथ में। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो इसको एक बार देखते हैं कि क्या कुछ हम इसका कर सकते हैं, कि अगर हम इसको धोने का ट्राई करें, वॉश करने का ट्राई करें, तो क्या हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि टॉवल ग्रिप का लोग समझते हैं कि हाँ उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो इधर वाले इस वाले वीडियो में आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। तो इसको पहली बार तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि इसको ग्रिप को निकालने में इतना एफर्ट लग रहा था, क्योंकि इसके नीचे एक एडहेसिव रहता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना। तो यहाँ पे मैंने ग्रिप को निकाल लिया और साइड बाय साइड आप देख सकते हो नई ग्रिप के, तो जो राइट साइड वाली ग्रिप है वो एकदम नई है और उसका जो फैब्रिक का मटेरियल है वो एकदम सॉफ्ट है, और जो लेफ़्ट वाली है जो कि यूज़ हो चुकी है उसका सरफेस एकदम फ्लैट हो गया है, उसमें पसीना वगैरह कुछ भी जो है अब वो सोखने के लायक नहीं बचा है। तो चलो देखते हैं कि अगर हम इसको धोते हैं तो फिर क्या हम लोग राइट साइड वाली ग्रिप जो नई ग्रिप है उसके जैसा बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। तो आप एक बार फिर से देख लो इस वाले एरिया में जो मैं बेसिन के सामने इसको वॉश करूँगा। तो ये पुरानी ग्रिप ऐसी दिखती है और नई ग्रिप आप देख चुके हो, तो देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले इसको पानी से धो रहे हैं हम, तो नॉर्मली जितना गुड डर्ट और पसीना निकल सकता है उसको ऐसे ही सोक करके निकालने का ट्राई कर रहा हूँ। जो मेरे को काफ़ी कुछ मतलब दिख तो रहा नहीं है कि कुछ निकल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर डिटर्जेंट के अंदर ही इसको भिगो के निकालना पड़ेगा। तो चलो जो अपना कपड़े धोने का डिटर्जेंट होता है उसी से इसको ट्राई करते हैं वॉश करने का। अभी के लिए आप देख सकते हो नॉर्मल पानी से ऐसा रिज़ल्ट है, तो थोड़ा बहुत इसका सफाई हो गया है, बट डिटर्जेंट से ही एक्चुअल में ठीक से साफ़ हो गई है। तो ये वाला जो कपड़े का डिटर्जेंट होता है, मैंने एकदम लाइक 1 टीस्पून का अमाउंट लिया होगा, इतना काफ़ी होना चाहिए इसके लिए क्योंकि बहुत छोटा सा ही कपड़े का मटेरियल है। तो ये हम इतना सा पानी लेंगे सो दैट हमारा जो टॉवल ग्रिप है पूरा इसके अंदर डूब जाए और अच्छे से इस सॉल्यूशन को सोक कर ले। तो ऑब्वियसली एक आपको पुराना सा टूथब्रश लेना पड़ेगा, तो उसको आप अच्छे से मिला लो सो दैट अच्छे से झाग बन जाए। और मतलब आप जानती हो धोने के लिए एटलीस्ट झाग तो बनाना पड़ता है, डिटर्जेंट को पूरा मिलाना पड़ता है पानी के साथ में। तो ये जो ग्रिप है इसके अच्छे से पूरा पानी को जो है आप निचोड़ लो और उसको इस सॉल्यूशन में डुबा लोगे, और ये अच्छे से अभी ये जो डिटर्जेंट वाला सॉल्यूशन है उसको सोख लेगा। मैं जो भी स्टैमर कर रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे और ये अच्छे से डिटर्जेंट के सॉल्यूशन को सोख लेगा। और आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी गंदा दिख रहा है, तो मतलब जो भी अंदर का धूल डस्ट स्वेट है वो सब इस पानी में आ चुका है, और हम इस ब्रश की हेल्प से भी जितना भी अंदर और एक्स्ट्रा होगा हम उसको पूरा तरीके से साफ़ करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि हम अपने कपड़े को धोने के टाइम पे अच्छे से रगड़ते हैं, ऐसे ही मैं इस ग्रिप को रगड़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी कुछ गंदगी इसमें से निकल रही है। तो ये सब देखने के बाद में मेरे को अब लग रहा है कि खाली रबड़ ग्रिप्स ही लगानी चाहिए। टॉवल ग्रिप से इट्स लाइक कि आपका जितना भी हाथ का गंदगी कुछ भी होता है वो सब कुछ सोख के अपने अंदर भर लेता है, और तभी आप खेलते टाइम पे इचिंग वगैरह होती है। टॉवल ग्रिप मोस्टली सबसे अच्छी है कि जब आप उसको रेगुलरली चेंज करते रहो, लाइक हर हफ्ते में एक बार, और मेरे ख्याल से उतना वायबल नहीं है क्योंकि एक टॉवल ग्रिप 100 रुपये से स्टार्ट होती है और जाती है 200 रुपये तक भी। तो हर हफ्ते अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपकी कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना खर्चा करते हो रैकेट्स वगैरह पे, शटल्स पे, स्ट्रिंग्स पे, तो ये टॉवल ग्रिप का एक अलग खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप नॉर्मल कोई रबड़ ग्रिप लगाते हो तो वो फिर भी एटलीस्ट 3 महीने तो चल जाती है, अगर आप नॉर्मली रेगुलरली भी खेल रहे हो हर दिन में 1 घंटा या 2 घंटा इतनी चल जाती है। वो आपके ऊपर है कि आपको जब दिख रही है कि ज़्यादा गंदी हो गई तो आप उसको चेंज करा लो। हर पर्सन का अपना अपना अलग अलग टाइप का खेलने का तरीका है, अलग अलग टाइप से वो अपने रैकेट को रखते हैं और अलग अलग टाइप से उनकी ग्रिप्स गंदी होती है। ठीक है, तो मेरी ये 6 महीने के बाद में जाके इतनी गंदी ग्रिप हुई है, वरना मैंने लोगों की देखी है कि लोगों की 1-1 महीने में भी इतनी गंदी ग्रिप हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि कितना कुछ गंदगी इसमें से निकला है। और अब फाइनल हम एक बार इसको अच्छे से रिंस करके देखते हैं कि और कितना कुछ इसके अंदर बचा हुआ है। तो
तो ये कुछ गंदगी मैं आपको दिखाने का वैसे ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये कितना अनहाइजीनिक है अगर आप ऐसी ग्रिप्स के साथ में खेलते हो। मैंने लोगों को खेलते हुए देखा है जो कि काफ़ी अच्छे से अपने रैकेट्स वगैरह सबको रखते हैं लेकिन ग्रिप के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, जो कि आपके एक्चुअल रैकेट और आपके हाथ के कॉन्टैक्ट से आपको खेलने में हेल्प करता है। तो इतना गंदा पानी निकला है और एक बार इसको पानी में निचोड़ लेते हैं तो जितना भी होगा वो सब निकल जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि इसको वापस से एक बार डिटर्जेंट में डालने की ज़रूरत है क्योंकि ये इतना ही साफ हो पाएगा। तो इतना कुछ इसमें से निकला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप कि अभी काफ़ी कुछ मतलब इसमें साफ़ हो गया और अभी मेरे को छूने से फील हो रहा है कि जो ग्रिप है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। तो अब ये कर रहा हूँ मैं कि एक फैब्रिक सॉफ्टनर आता है, आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके पास में अवेलेबल हो, मेरे पास कंफर्ट का था तो कंफर्ट का डाल रहा हूँ। मुश्किल से 5-6 बूंद डाली होंगी मैंने इसके अंदर और अच्छे से इसको निचोड़ना है इसके अंदर और इसके अंदर ऐसे ही इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टॉवल का मटेरियल है वो जब सूखेगा तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, वरना अगर आपने डिटर्जेंट से धोया हुआ है तो वो सूखने के बाद में तब भी काफ़ी हार्ड लगे। तो अभी 10 मिनट के बाद में ऐसा हो गया और इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस अच्छे से एक बार और इसमें अच्छे से इसको निचोड़ लेना है और बाद में जाके जितना भी पानी होगा जितना भी सोल्यूशन इसके अंदर है इसको बाहर निचोड़ के इसको धोना नहीं है, बस ऐसे ही इसके अंदर निचोड़ के अलग से साइड में रख देना है। ठीक है, इसको पानी से अब नहीं धोना है, जो कम्फर्ट का फैब्रिक सॉफ्टनर लगा है वही इसके अंदर काम कर देगा अपना। तो यहाँ पे मैंने इसको सूखने के लिए छोड़ दिया, इसको आपको इंडोर्स ही सुखाना है आउटडोर्स नहीं। तो आप देख सकते हो कि कैसा कंपैरिजन हो रहा है, तो दिखने में तो नहीं लग रहा है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ हुआ है बट छूने से पता चल रहा था कि हाँ ये काइंड ऑफ सॉफ्ट हुआ है, बट वही है नए के कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है, वो आप साफ देख भी सकते हो और जब आप फील करोगे तो पता भी चल जाएगा। तो इसका बस मेरे को वर्डिट यही दिखा है कि एक्चुअल में इस टॉवल ग्रिप को ऐसे साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब टॉवल ग्रिप आती है आपकी 100 रुपये की तो आप बेटर है कि वही लगाओ, तो उससे बेटर होगा कि आपका जो एकदम नया ग्रिप लगाओगे तो आपको खेलने में भी अच्छा लगेगा और ये धोने में जितना एफर्ट लगा जितना इसको टाइम लगा और यहाँ पे मैं अब इसको लगाने का ट्राई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे डेंड्राइट यूज़ की है तो उससे का भी मतलब एक कॉस्ट देख लिया जाए तो अराउंड 10 रुपये का तो इसमें ग्लो ही लग गया। फिर आपका जितना डिटर्जेंट आपने लगाया जो भी धोया वगैरह उसका कुछ भी कॉस्ट मानो, अगर 50 रुपये भी मैं पकड़ लूँ उसको धोने का कॉस्ट बैठ रहा है आपका, तो इससे बेटर आप 100 रुपये दे के एक नई ग्रिप लगा लो, काइंड ऑफ बेटर भी है और वो अच्छा आपको फील करेगी क्योंकि उसमें नीचे नया टेप भी लगा होगा, ऊपर भी आपको जो मास्किंग टेप होता है वो अच्छे से एकदम नया मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक नई टॉवल ग्रिप यूज़ करना बेटर और एक मोर हाइजीनिक वे है रादर देन अपनी ग्रिप्स को साफ़ करना धोना। ये टॉवल ग्रिप के लिए मैं खाली बोल रहा हूँ, आप अगर रबर ग्रिप यूज़ करते हो तो मैं फिर भी आपको बोल सकता हूँ कि आप उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हो और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को ज़रूर से बता देना तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और टॉवल ग्रिप को मैंने देखा करके तो नहीं आया कुछ खास इफ़ेक्ट, बट रबर ग्रिप पे जब मैंने एक बार करके देखा था तो मैं उसको एटलीस्ट 2 या 3। गैस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना और बताना मेरे को कि आपको कोई और टाइप का एक्सपेरिमेंट करवाना हो तो वो मैं बिल्कुल करने का ट्राई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और आपको वो देखना है वीडियो जहाँ पे मैंने एड्रेनिक्स के R501 पे 28 LPS कंडेंशन लगाया था BG65 स्ट्रिंग्स के साथ में, तो उसका क्या हाल हुआ वो आपको आई कार्ड के बटन मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करना। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।